एक बार की बात है, दो मित्र रहते थे। दोनों मित्र बहुत ही अच्छे मित्र थे। हर समय साथ रहना, घूमना, बातें करना, एक साथ खाना खाना, मजाक करना, सब कुछ जो दो मित्र करते हैं वैसे ही। एक बार उन्हें दूसरे गांव जाना था और बीच में जंगल पड़ता था। दोनों बहुत डरे हुए थे। एक ने कहा, अगर सामने कोई जानवर आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरे ने कहा, अरे मैं हूं ना, तो चिंता क्यों करता है। ऐसे ही बातें करते हुए अब वो जंगल से गुजरने लगे। बड़े बड़े पेड़ थे और अंधेरा भी थोड़ा थोड़ा होने लगा था। डरते डरते आगे बढ़ ही रहे थे कि वहां एक भालू आ गया। भालू देखते ही एक ने कहा, मैं तो चला पेड़ के ऊपर, मैं तो चढ़ सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। पर सुनो, मेरा क्या होगा, दूसरे ने कहा। उसने कहा, मैं नहीं जानता, मैं तो चला, और वो जाकर पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अब जो दूसरा दोस्त था वो दम साधे वहीं लेट गया। भालू आया, उसके आसपास वो घूमा, उसे सूंघा और फिर चला गया। थोड़ी देर बाद ऊपर से वो मित्र उतरा और अपने मित्र के पास जाकर उसने कहा, मित्र तुम तो ठीक ठाक हो, बच गए, पर एक बात तो बताओ, उस भालू ने जाते जाते तुम्हें कुछ कहा क्या? तो उस मित्र ने कहा, हाँ वो भालू जाते जाते एक अच्छी बात कह गया मुझे। अच्छा तो मुझे तो बताओ ना। उसने कहा, जो मित्र समय पर साथ ना दे, जो तुम्हें छोड़कर चला जाए, विपत्ति के समय तुम्हें धोखा दे दे, यानी कि वो मित्रता मित्रता नहीं रही, वो मित्र सच्चा मित्र नहीं है। उस मित्रता में अब प्रेम नहीं रहा, वहां गांठ पड़ चुकी है, इसलिए उस मित्र से अब दोस्ती करना बेकार है। इसलिए मेरे मित्र तुम अब उस रास्ते जाओ और मैं इस रास्ते, क्योंकि हमारे रास्ते अब अलग हो चुके हैं। ऐसा कहना ही था कि भाई दूसरा मित्र बेचारा, उसका मोह ही लटक गया। इसी पर मैं आपको आज रहीम दास जी का एक दोहा सुनाने जा रही हूँ। रहीमन खोजे ऊख में जहाँ रसन की खान, जहां गांठ तह रस नहीं यही प्रीति में हान। यानी अगर प्रेम को ढूंढना है तो रस उसका ढूंढिए, और वो जैसे कि गन्ने में होता है, गन्ना पूरा गन्ना रस से भरा होता है, लेकिन जहां पर उसकी गांठ होती है वहां रस नहीं होता। यानी आपके रिश्ते में अगर कहीं गांठ आ जाती है और वहां रस नहीं है, यानी कि अब उस रिश्ते को रखना बेकार है। धन्यवाद।